HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने में सारे मुसलमान रोजा रखते हैं। रोजा में लोग बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। आज हम आपको रमजान से जुड़ी कुछ बातें बता रहे हैं कि रोजे क्यों रखते हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है। इस्लाम में रमजान को आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से शुद्ध होने का महीना माना जाता है। इससे आप संयम और अनुशासन भी सीखते हैं। इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना रमजान का है, जिसे अरबी भाषा में रमादान कहते हैं। यह दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र महीना होता है। इसे सब्र यानी संयम को मजबूत करने और बुरी आदतों को छोड़ने का जरिया भी माना जाता है। लूनर कैलेंडर के अनुसार नौवें महीने यानी रमजान को 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद पर कुरान प्रकट होने के बाद मुसलमानों के लिए पवित्र घोषित किया गया था। तभी से दुनिया भर के मुसलमान पहली बार कुरान के उतरने की याद में पूरे महीने रोजे रखते हैं। मुसलमान पूरे महीने में सुबह से लेकर सूरज छिपने तक कुछ भी नहीं खाते और ना ही कुछ पीते हैं। रोजेदार सवेरे बहुत जल्दी उठ जाते हैं और प्रभात से पहले ही खा लेते हैं, जिसे सहरी कहते हैं, और शाम को वे इफ्तार के साथ अपना रोजा खोलते हैं। रमजान के महीने में दिन के दौरान महिला और पुरुष के बीच शारीरिक संबंध बनाने पर रोक है। इसके अलावा मुसलमानों को किसी की बुराई या गपशप न करने, किसी को बुरा भला न कहने और लड़ाई झगड़े में न पड़ने की सलाह दी जाती है। इन दोनों के लिए रमजान के रीति रिवाज एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है। जैसे सुन्नी मुसलमान अपना रोजा सूरज छिपने पर खोलते हैं, मतलब उस वक्त सूरज बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, वहीं शिया लोग आकाश में पूरी तरह अंधेरा होने तक इंतजार करते हैं। पश्चिमी एशिया में रमजान के चौथे दिन को गारांगाओ के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन बच्चे पारंपरिक पोशाकों में सज धज कर कपड़े के थैले लिए पड़ोसियों के यहाँ जाते हैं और गारांगाओ गीत गाते हुए खजूर, टॉफी और बिस्किट जैसी छोटी मोटी चीजें जमा करते हैं।